जी हाँ दोस्तों, आइए अब जानेंगे वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2016। हालांकि ये जो साल है ये आपके लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आप अपनी ऑनेस्टी और आपकी जो फ्रेंडली नेचर है उसके लिए आप जाने जाते हैं। और दोस्तों, कुछ लोग हैं जो आपके इसी नेचर का फायदा उठा सकते हैं या आपके सीधेपन का फायदा उठा सकते हैं। ये जो साल है 2016 एक्चुअली आपको सिखाएगा कि कैसे उन लोगों के साथ या कैसे जो कनिंग पीपल्स हैं उनके साथ डील किया जाए। हालांकि सफलता आपको ज्यादा इंतजार नहीं कराएगी, लेकिन आपको चुनौतियों का डट कर सामना करना होगा और अपना जो इमोशनल स्ट्रेस है या डिस्ट्रेस है उस पर आपको काबू रखना होगा। प्यार और रिलेशंस के मामले में जो साल है आपके लिए बेहद अच्छा रहने वाला है दोस्तों, और आपका जो सोलमेट है, आपका ट्रू लव, आपको बहुत ही जल्दी आपके सोशल सर्कल या फैमिली या फ्रेंड्स में से ही आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। तो जो लोग मैरिड हैं वो क्या करेंगे, वो इंटरनेशनल ट्रिप के लिए प्लान कर सकते हैं, ताकि उनका जो बॉन्ड है अपने साथी के साथ, अपने पार्टनर के साथ, वो स्ट्रांग हो। और जो लोग 2016 में बेबी के लिए प्लान कर रहे हैं उनके लिए इस साल बेहद अच्छा रहने वाला है। लेकिन वृषभ राशि वालों के लिए, जो लोग अनमैरिड हैं, उनके लिए साल का जो सेकेंड हाफ पार्ट है वो रिलेशंस के लिए और लव अफेयर्स के लिए उतना अच्छा नहीं है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको ज्यादा एक्सप्रेसिव होने की कोशिश करनी है, क्योंकि हर इंसान आपके मन की बात को नहीं पढ़ सकता। जहाँ तक प्रोफेशन का सवाल है, प्रोफेशन के लिए भी ये साल आपके लिए ठीक रहने वाला है। और जो बिजनेसमैन हैं, जो व्यवसाय में हैं, उनका ज्यादा क्रिएटिव होना और ज्यादा इनोवेटिव होने की उनको जरूरत है, ताकि ज्यादा रिकॉग्निशन अर्न की जा सके। हालांकि जो लोग जॉब में हैं उनको थोड़ा पॉलिटिकल चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आप अपने सीनियर्स के साथ अच्छे रिलेशंस बरकरार रखें, अच्छे रिलेशंस कायम रखें और कंट्रोवर्सी से बस थोड़ा सा बचें। आपको अपने खर्चों और एक्सपेंसेस पर भी थोड़ा सा बैलेंस बनाकर उस पर रखना होगा, और नेगेटिव थॉट्स जो आपके माइंड में आते हैं उन पर कंट्रोल करना होगा। दोस्तों, आप ऐसे लोगों के आसपास रहें, ऐसे लोगों की सराउंडिंग्स में आप रहें जो पॉजिटिव सोचते हों, पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करते हों। इससे आपको भरपूर फायदा मिलने वाला है। आपकी सोशल लाइफ के लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है, और आपके जो रिलेशंस हैं आपकी फैमिली के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, वो गहरे होंगे। आपके पार्टनर का भी आपको भरपूर सपोर्ट मिलेगा। और दोस्तों, इट इज एडवाइजेबल कि आप अपनी फैमिली को टेकन ग्रांटेड बिल्कुल ना लें, क्योंकि अगर आपने उनको प्यार और रेस्पेक्ट नहीं दिया तो वो आपसे मुंह मोड़ने में वक्त नहीं लगाएंगे। ट्रेवल पर आते हैं, ट्रेवल की बात करते हैं। ट्रेवल के लिए भी ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा, इसीलिए आप अपने बिजनेस को इंटरनेशनल बॉर्डर तक एक्सपेंड करने का चांस आप बिल्कुल मिस ना करें। फॉरेन मार्केट्स में भी इन्वेस्टमेंट के लिए ये साल आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। और जो स्टूडेंट्स अब्रॉड जाकर स्टडीज के लिए प्लान कर रहे हैं, लॉर्ड गणेशा की उन पर खास कृपा रहेगी और लॉर्ड गणेशा का उन पर हाथ रहेगा। हेल्थ की दृष्टि से, हेल्थ के मामले में स्वास्थ्य के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत होगी। आप अपने काम से थोड़ा सा समय निकालें और देखें कि आपकी बॉडी आपको कितना अलाउ करती है और आपका माइंड आपको क्या कहता है। तो प्लीज आप एग्जॉस्ट होकर बिल्कुल काम ना करें। कहते हैं दोस्तों कि हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड रहता है, तो आपको अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखना होगा, वरना दिक्कत हो सकती है। आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और हो सके तो मेडिटेट भी करें। अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए आप अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग भी प्लान कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा।
ॐ नमः पतये नमः।